जीतता है अफगानिस्तान, ये आठवां मैच है इसका, और फिर नौवां मैच भी जीत जाता है अपना जो उसके नवा मैच उसका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, तो वो 10 पॉइंट्स के साथ होंगे और तो चौथी तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेल सकती है, तो हमारे लिए तो बड़ी बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल जिंदगी भी है। और अफगानिस्तान से अफगानिस्तान अफगानिस्तान ने आज चौथी फतह हासिल की है क्रिकेट वर्ल्ड कप में, और इससे तो ये अगर नेदरलैंड कामयाबी हासिल करता तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा फायदेमंद था, लेकिन सेमीफाइनल के सिनेरियो पे क्योंकि अफगानिस्तान एक पाकिस्तान से ज्यादा मजबूत स्ट्रांग कैंडिडेट बन गया है सेमीफाइनल की दूरी से, हम तो अभी दो जीते दूर खड़े हैं। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में आए थे इंडिया फिर उनको दबोच के खा जाएगा? तो उन्होंने बांदर बना देना इनको। मैंने ना अपने अफगानिस्तान के टीम ने नीदरलैंड को टीम को 7 विकेट से हरा दिया है और इस हार का गम पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब अफगानिस्तान के टीम भी सेमीफाइनल के रेस में आगे नजर आ रहा है। पाकिस्तानियों से तो अच्छा क्रिकेट खेल रहा है अफगानिस्तान, जिस तरीके से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हराया, तो पाकिस्तान से अच्छा तो अफगानिस्तान के टीम क्रिकेट खेल रही है। वो चाह रहे थे कि अफगानिस्तान टीम को नीदरलैंड को टीम हरा दे और पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं। अफगानियों ने कहा कि मैं सेमीफाइनल में जाने के लिए आपसे ज्यादा हकदार हूँ। 8 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर आ जाएंगे तो उनके लिए एक उम्मीद पैदा जरूर हो जाएगी कि अगर पाकिस्तान हार जाता है न्यूजीलैंड से और इंग्लैंड से और एक मैच जीत जाती है अफगानिस्तान की टीम इसके बाद ऑस्ट्रेलिया से, तो कौन जानता है कि हम कहाँ खड़े हैं और इसका, और फिर नौवा मैच भी जीत जाता है अपना जो उसके नवा मैच उसका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, तो वो 10 पॉइंट्स के साथ होंगे, और अगर इंग्लैंड पाकिस्तान से हार पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार जाता है और फिर पाकिस्तान इंग्लैंड से भी हार जाता है तो पाकिस्तान तो बाहर है, और अगर न्यूजीलैंड मैचेस अपने नहीं जीत पाता है तो फिर चौथी टीम कौन होगी? एक तो चलेगी इंडिया, दूसरी चलेगी जनूबी अफ्रीका, तीसरी चलेगी ऑस्ट्रेलिया, तो चौथी तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल खेल सकती है, तो हमारे लिए तो बड़ी बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल है। जिंदगी भी है और अफगानिस्तान से अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया और वो देखेंगे उसने बड़ी टीमों को हराया, पाकिस्तान को भी हराया। अब ये जो सिचुएशन बन रही है, जो हालात बन रहे हैं, और अगर वो जाती हैं क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में तो नंबर एक की टीम होगी इंडिया और नंबर चार पे खेलेगी अफगानिस्तान, तो फिर अफगानिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल होगा, अफगानिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल होगा इस सूरत हाल में। और इसके साथ अगर आप देखें पाकिस्तान और भारत के कल के मैच की बात करते हैं, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के कल के मैच की, तो वहाँ पर बारिश भी है, मौसम ख़राब भी हो सकता है, अगर मैच का नतीजा नहीं आता, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाता तो पाकिस्तान के लिए तो वो भी नुकसानदेह है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद के पास फिर अगला मैच जीतना उससे भी ज्यादा अहम हो जाएगा, उससे भी ज्यादा अहम हो जाएगा। कल के मैच पे आते हैं, अच्छा बारिश पे आपके पास भी कोई खबर है मीरा? हाँ, बारिश के हवाले से ये बात हो रही है कि बैंगलोर में बारिश जारी है फिलहाल, और पिच रिपोर्ट के हिसाब से कल भी जो है वो 2 बजे से 5 बजे तक के काफी हद तक 56% चांसेस हैं कि बारिश रहेगी और थंडर स्टॉर्म का मतलब खतरा है। और अफगानिस्तान ने आज चौथी फतह हासिल की है क्रिकेट वर्ल्ड कप में और सेमीफाइनल के इम्कानात को अभी भी रोशन उन्होंने रखा हुआ है, 8 पॉइंट्स उनके हो गए हैं इस वर्ल्ड कप में, और वैसे तो ये अगर नेदरलैंड कामयाबी हासिल करता तो पाकिस्तान के लिए ज्यादा फायदेमंद था, लेकिन अफगानिस्तान ने कामयाबी हासिल की और अपने सेमीफाइनल के चांसेस जो है वो अपने बढ़ा लिए। बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बैटिंग में बहुत ठहराव नजर आ रहा है उनकी, जहां पर तारीफ बनती है वहां करनी पड़ेगी, लेकिन हर मैच के बाद ये जो उनके कैप्टन और उनके प्लेयर्स एक अननेसेसरी स्टेटमेंट्स देते हैं, आज भी अफगानिस्तान के कप्तान अशमतुल्ला शहीदी ने एक गैर जरूरी बयान दिया, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजीज हैं उनकी हालत खराब है और हम ये विक्ट्री जो है वो उन्हें डेडिकेट करते हैं। हालांकि अगर उन्होंने डेडिकेट करनी भी थी तो वो ये भी कह सकते थे कि पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करते हैं हम के उन्होंने इतने साल वहां पर रखा, लेकिन हमारी जो उन्होंने जो मेहनत दी, हमारी जो हमने उनका इतने साल ख्याल रखा, उन्होंने कहीं पर भी इन तमाम मैचेस में जो जीते हैं कहीं पर भी उसको मेंशन नहीं किया और कहीं पर भी पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं दिया कि पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में हमें संभाला था, लेकिन तंज किया उन्होंने पाकिस्तान पे हर मैच जीतने के बाद। हालांकि वो इंडिया में मौजूद हैं, तो मतलब वो पाकिस्तान को बुरा वाला कहते रहे और हम सुनते रहे यहाँ पे? नहीं, वो ठीक है, उन्होंने बाबर एक नेचुरल टैलेंटेड है, टैलेंट अब सेट हो गए हैं ना, जिस तरह विराट की रोहित शर्मा की सब बात करते हैं, वो भाई वो जब सेट हो जाते हैं वो पूरा मैच लेके जाते हैं। इस पे आमिर ने बड़ा अच्छा तजिया किया, आमिर ने कहा कि चलो नो इशू, बाबर आजम मैंने पूरे वर्ल्ड कप में देखा है कि शॉट मारते हुए आउट हुआ है, कम से कम ट्राई कर रहा है, गेम को डेवलप कर रहा है। आमिर ने बोला, आमिर ने तो और भी फजूल किस्म की बात बोली,
विराट कोहली जो नेदरलैंड के खिलाफ अगर खेले, बांग्लादेश के खिलाफ खेले, नेपाल के खिलाफ, उसको तो सचिन का रिकॉर्ड भी तोड़ चुका। सही बात बोली उसने, उसमें क्या गलत बात है ना, इसमें क्या सही बात, गलत क्या बात है, सही बात करिए। छोटी सीरीज नहीं खेलता वो तो 70-100 होते उसके, अगर वो यानी सीरीज खेलता होता तो खेलता था भाई, भाई। खेलता था शुरू में ना, अभी तो वो 5-6 सालों से तो खेल ही नहीं रहे लोग। इनको ये असल में क्रिकेट खेलने अगर की जरूरत है, अगर कोई अगर लगता है कौन सा टीम सेमीफाइनल में जाने वाला है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड, इन तीनों में से कौन सा टीम आपको ज्यादा बेटर लग रहा है सेमीफाइनल के रेस में? सबसे पहले तो न्यूजीलैंड काफी दमदार लग रहा है, इसके बाद अफगानिस्तान की टीम भी काफी दमदार लग रहा है, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान टीम भी सेमीफाइनल में जाने के हद तक कुछ चांस है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, कौन सा टीम सेमीफाइनल में जाएगा इन तीनों में से?